नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छतरपुर से है। शहर के चारों दिशाओं में बने विवाह घरों की वजह से लोगों को शादी के सीजन में परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। दरअसल पार्किंग की सुविधा ना हो पाने और इसके अलावा शादियों के मौसम में निकलने वाले बचे हुए और बेकार खाद्य पदार्थ को सड़क पर ही या एक तरफ डाल देने की वजह से बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जब शादी ब्याह में पार्किंग की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से वाहन सड़कों पर रखे होते हैं और उसके बाद कोई भी इमरजेंसी में निकल नहीं सकता। दो दो घंटे यहां पर लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसके बावजूद ना तो विवाह घरों द्वारा किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में या अन्य जगह पर है और ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। कई बार जनता द्वारा मांग की जा चुकी है, बावजूद इसके इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अब देखो, एक तो ये बगैर परमिशन के मैरिज हाउस बने हैं, ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे मेन रोड पे ज़्यादातर मैरिज हाउस है, तो इन मैरिज हाउस के सामने जाम लग जाता है गाड़ी। कोई अगर मरीज इमरजेंसी में है तो वो साला बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब बताओ क्या करें इसके आगे। अब किस प्रकार की मतलब पार्किंग करना चाहिए कि मैरिज हाउस हो तो मैरिज हाउस वाले खुद अपनी अलग से पार्किंग करें, जाकि रोड पे कोई जाम ना लगे ना कोई वो हो। मेरे जो हाउस हैं, ये गार्डन बने हैं, एक तो ये बहुत ही गलत तरीके से शहर के अंदर ये बने हैं। आवागमन भी काफ़ी प्रभावित होता है, रोड जाम होती हैं, मरीजों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। शासन प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी एम्बुलेंस आती है मरीज को लेके, रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। और मैरिज गार्डन के बाहर जो भी पार्किंग है वहाँ पर इतना जाम लगता है कि यातायात इतना बुरी तरह से बेकार हो चुका है कि आने जाने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।